नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोगों को लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज। और आज का टेक न्यूज शुरू करने से पहले मैंने कल को कम्युनिटी टैब में एक क्विज किया था कि एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन जिसका अनटूटू स्कोर बहुत ही ज्यादा है, ये स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है। और मैंने कहा था कि जो भी सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट जवाब देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट डे के टेक न्यूज पे जरूर दूंगा। तो जितने लोगों ने जवाब दिया उसमें से इस सब्सक्राइबर ने एकदम एक्यूरेट और सबसे पहले जवाब दिया। और वैसे मैं ऐसे ही छोटे मोटे सवाल मैं कभी कभार कम्युनिटी टैब में जरूर पूछूंगा, उसका एकदम एक्यूरेट और सबसे पहले जवाब अगर आप देंगे तो मैं आपका नाम उसके नेक्स्ट डे के टेक न्यूज पे जरूर लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कोरोना वायरस की तरफ से। जी हाँ, मैं हमेशा Xiaomi या फिर Realme से न्यूज शुरू करता हूं, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कोरोना वायरस की तरफ से, क्योंकि इससे Xiaomi और Realme रिलेटेड है। क्योंकि दिल्ली में बहुत जगह से कोरोना वायरस फैलने के न्यूज आ चुका है, और काजर की हैदराबाद में कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ऐसे 80 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के बाद, मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में बहुत जल्द कोरोना वायरस फैल सकता है। और इसके कारण दो चीज हो चुका है। Realme 6 Pro जो 3 दिन बाद लॉन्च होने वाला था दिल्ली में, Realme 6 Pro का इवेंट कैंसिल हो चुका है। इसीलिए Realme कंपनी अब बिल्कुल ऑनलाइन उसका इवेंट करेगा। इस इवेंट में जो जो भी रिपोर्टर या फिर दूसरे लोग जाने के लिए टिकट खरीदे थे, तो Realme कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने उन्हें एक Realme बैंड गिफ्ट कर दिया। तो देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के कारण Realme 6 Pro का जो ग्राउंड इवेंट वो कैंसिल हो चुका है, और सेम रीजन के लिए Redmi Note 9 और Redmi 9 Pro का जो इवेंट वो भी कैंसिल हो चुका है। अब Redmi Note 9 Pro बिल्कुल ऑनलाइन इवेंट में अनवील होगा, और इस इवेंट में जाने के लिए जो लोग ने भी टिकट खरीदा था उनका टिकट का रिफंड कर दिया गया है। अगला न्यूज है oppo की तरफ से। तो 6 मार्च oppo अपना oppo find x2 ए डिवाइस से लॉन्च करने वाला, और इसके साथ जो oppo का स्मार्ट वॉच जो दिखने में बिल्कुल एप्पल स्मार्ट वॉच जैसा है वो भी लॉन्च करेगा। वैसे सच कहूं तो मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉच देखा है, लेकिन ये वाला स्मार्ट वॉच का डिजाइन मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये स्मार्ट वॉच पर्टिकुलर किस प्राइस में लॉन्च होता है। तो आपको तो पता ही है, आपको शायद बहुत सारे ऐसे मैसेज या फिर फोन कॉल आता होगा कि आपने इतने लाख रुपए जीत लिया या फिर इतने करोड़ रुपए जीत लिया, मतलब ऐसे फ्रॉड कॉल आता है जो कि जनरली स्कैमर होता है। लेकिन स्कैमर को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस या फिर कोई भी नहीं जानता कि वो कहां से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हैकर, आपको तो पता ही है, एक हैकर कुछ भी काम कर सकता है। तो गुरुग्राम में एक ऑफिस था जहां पर बहुत सारे ऐसे स्कैमर लोगों को ठग रहा था। एक हैकर ने क्या किया, गुरुग्राम के उस ऑफिस के सीसीटीवी को हैक किया। सीसीटीवी को हैक करके उस जगह के जितने भी सिस्टम है उसे हैक किया, और पुलिस के जरिए उन सारे स्कैमर्स को एकदम रंगे हाथों पकड़ लिया। तो देख सकते हैं कि एक हैकर अगर चाहे तो बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है, अगर ना चाहे तो बहुत ही बुरा काम कर सकता है। तो आपको तो पता ही है, चाइना के साथ यूएसए का प्रॉब्लम चल रहा है, और यूएसए इसका बदला लेने के लिए हुआवे के ऊपर प्रेशर दे रहा है। फ्यूचर में हुआवे के किसी भी डिवाइस में गूगल का एंड्रॉइड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गूगल का एंड्रॉइड नहीं चलेगा मतलब एक बहुत ही बढ़िया जो सर्च इंजिन जो कि गूगल क्रोम, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए हुआवे गूगल के सर्च इंजिन का एकदम ऑल्टरनेटिव बना रहा है, और इसका कुछ बीटा टेस्टिंग भी चालू हो चुका है। लेकिन इसका क्या नाम होगा इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अगला न्यूज है पबजी की तरफ से। अब में से जो लोग पबजी खेलते हैं तो आपको पता ही होगा सीजन 12 शुरू होने वाला है। इस बार सीजन 12 में टोटल 3 अपडेट होगा। पहला एक कलर ब्लाइंड मोड, एक हार्डकोर मोड, और तीसरा इरंगल मैप के अंदर एक एनिवर्सरी पार्क जैसा होगा। वैसे मैंने बहुत दिनों से पबजी नहीं खेला है, अभी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूं, इसलिए मुझे ये सारे मोड के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप पबजी खेलते हो और ये सारे मोड एक्सपीरियंस कर चुके हो तो मुझे बताना कि ये जो कलर ब्लाइंड और ये जो हार्डकोर मोड आखिरकार क्या है। तो कल मैंने आपको टेक न्यूज पे बताया था कि आज OnePlus अपना कोई मिस्टीरियस डिवाइस लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये क्या होगा, कोई फोन, कोई टीवी, कोई कार, मतलब क्या चीज होगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन अब पता चल चुका है ये दरअसल एक स्नोबॉल फाइट मशीन है। मतलब ये मशीन 5G टेक्नोलॉजी को काम में लेके और AI टेक्नोलॉजी को काम में लेके स्नोबॉल फेंकेगा। तो इससे OnePlus यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, 5G कनेक्टिविटी बस फोन करने के लिए नहीं है, फ्यूचर में सारे IoT डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए 5G नेटवर्क एकदम जरूरी है। तो OnePlus 8 सीरीज कब लॉन्च होने वाला है इसका एकदम ऑफिशियल डेट मालूम चल चुका है। OnePlus 8, OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 Lite लॉन्च होगा अप्रैल महीने के एकदम मिडिल पे। अगला न्यूज है वीवो की तरफ से। तो वीवो का जो नेक्स्ट सीरीज जैसे ओप्पो का है, ओप्पो का फाइंड सीरीज, बिल्कुल वीवो का जो नेक्स्ट सीरीज वो लॉन्च होने वाला है। और आपको तो बताइए, जैसे ओप्पो का ये जो फाइंड सीरीज एकदम कमाल का होता है डिस्प्ले या फिर बाकी फीचर के मामले में, वीवो का ये जो नेक्स्ट सीरीज ये भी बहुत ही कमाल का होता है। तो वीवो का जो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट सीरीज उसका नाम है VIVO NEX 3S, और ये वाला डिवाइस लॉन्च होने वाला है
10th मार्च को। वैसे इसमें क्या-क्या फीचर होगा अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस दिन लॉन्च होगा सबसे पहले इसके बारे में न्यूज़ मैं आपको जरूर दूंगा। अगला न्यूज़ है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया 8.2 जो कि बहुत दिनों से लॉन्च होने की उम्मीद था, अब कहा जा रहा है कि 19th मार्च को फाइनली लॉन्च होगा और एक 5G डिवाइस होगा। और क्योंकि नोकिया 8.2 होने वाला है और ये थोड़ा सा अपर मिड रेंज का होगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें होगा स्नैपड्रैगन 765G, क्योंकि अगर स्नैपड्रैगन 765G के साथ आता है तो ये स्मार्टफोन एक मिड रेंज स्मार्टफोन बन पाएगा और ये एक 5G स्मार्टफोन भी बन पाएगा। और आज का आखिरी न्यूज़, Xiaomi ने आज अपना गेमिंग स्मार्टफोन जो कि ब्लैक शार्क उसका थर्ड जनरेशन लॉन्च कर दिया, मतलब ब्लैक शार्क 3। वैसे ये पूरा का पूरा इवेंट चाइनीज में, वैसे मैंने उस इवेंट का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया है, आप इसमें देख सकते हैं। इससे हमें यही पता चल रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 के साथ आ रहा है, मतलब एक 5G स्मार्टफोन है। इसका बैटरी है 4720mAh और इसके साथ 65W चार्जिंग है और 18W वायरलेस चार्जिंग है। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 64, 13 और 5 MP का बैक कैमरा, 20 MP फ्रंट कैमरा जिसमें रॉ मोड का भी सपोर्ट है, और इसका जो मेन फीचर जो कि इसका स्क्रीन वो है 6.67 इंच 90Hz रिफ्रेश रेट, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से इसके रिफ्रेश रेट को 270Hz तक का इंक्रीज किया जाएगा। और ये स्मार्टफोन का प्राइस है, इसका 12GB और 120GB वेरिएंट इसका प्राइस है 38,000 rupees एग्जैक्टली इंडियन रुपीज में, और 12GB रैम 256GB मेमोरी इसका प्राइस है 40,000 rupees इंडियन रुपीज में। तो अब देखते हैं कि क्या इस बार Xiaomi अपना ये जो ब्लैक शार्क 3 इंडिया में लॉन्च करता है या फिर नहीं। तो आज का टेक न्यूज़ यही था, उम्मीद है ये न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।